Welcome back to this channel, Rise Up with Maths. My name is Rahim Samdani, and in this video, we are going to solve MCQs of mathematical logic from the new question bank. Okay, और बाकी के जो question हैं apart from MCQs, इसकी PPT आप description box में से download कर सकते हैं. Okay, so let's get started. Let's start with the first question. Which of the following statement is true? ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखना. इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इट इज फॉल्स मतलब नेगेशन. 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. ठीक है, सो नेगेशन ऑफ फॉल्स. नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सी वाला ट्रू है. ठीक है, बाकी सब जो है वो फॉल्स है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो देखो सी, ऑप्शन सी देखो, कम हियर, दिस इज अ कमांड, राइट? सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट अस लुक एट द थर्ड वन. इफ पी इज एनी स्टेटमेंट देन पी और नेगेशन पी इज कंटिजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन, टोटोलॉजी और नन ऑफ दिस. देखो पी और नेगेशन पी है, और का क्या रूल है? दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहिए तभी ये फॉल्स होता है, राइट? बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पी एक नेगेशन पी है. तो एक टी रहेगा तो एक एफ हो जाएगा, या एफ रहेगा तो टी हो जाएगा. तो इसका आंसर हमेशा टी आएगा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टॉटोलॉजी. फोर्थ क्वेश्चन. इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन पी इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी इज. ठीक है, अभी ये दोनों को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो. पी इम्प्लीकेशन क्यू है या फिर नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी है, मतलब ये इसका काउंटर पॉजिटिव है. ठीक है, काउंटर पॉजिटिव मतलब उल्टा करके नेगेशन करने का, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर एन इम्प्लीकेशन एंड इट्स काउंटर पॉजिटिव ऑलवेज हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम रहेंगी या बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. तो दोनों सपोज टी टी है या दोनों एफ एफ है, दोनों सेम रहेंगे हमेशा. बीच में क्या है? डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन का क्या रूल है? जब दोनों स्टेटमेंट टी टी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स रही है तो ये हमेशा टी आता. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टॉटोलॉजी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. लेट अस लुक एट द फिफ्थ वन. नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन पी और नेगेशन क्यू इज. ठीक है, इसका नेगेशन लेना है तो नेगेशन ले लो. ओके, अभी ये पी इम्प्लीकेशन इसको एज ए क्यू ट्रीट करो. तो अपने को पता है पी इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन क्या होता है? पी एंड नेगेशन क्यू. ठीक है, सो फर्स्ट वाला एज इट इज एंड नेगेशन, ये पूरे को नेगेशन दे दो. ठीक है, अभी यहाँ पे अपन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. तो पी एंड एज इट इज ये हो जाएगा नेगेशन पी और का एंड और नेगेशन क्यू का क्यू. सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, पी एंड नेगेशन पी एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सिक्स्थ वाला देखो. ही इज पी रिप्रेजेंट्स ही इज इंटेलिजेंट, क्यू रिप्रेजेंट्स ही इज स्ट्रॉन्ग, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग. इट इज रॉन्ग दैट मतलब नेगेशन, ही इज इंटेलिजेंट इज पी और स्ट्रॉन्ग मतलब क्यू. ठीक है, सो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, let us look at the seventh one. A biconditional statement is the conjunction of two dash statements, negatives, compound, connective, conditional. apne ko biconditional law pata hai, p double implication q is p implication q and q implication p. abhi implication ko hi apan conditional bolte, right? so a biconditional is the conjunction of, dekho yahan pe conjunction ka symbol hai. a biconditional statement is the conjunction of two implication, implication यहाँ पर नहीं है, तो another word for implication is conditional. okay, so biconditional statement is the conjunction of two conditional statements, so D is the correct option. alright, eighth one. If P implication Q is an implication, then the implication negation Q implication negation P is called its. ठीक है, ये क्या है? उल्टा करके negation है ये, so this is nothing but contrapositive. Alright, so B is the correct option. Let us look at the ninth one. The negation of the statement P and Q implication R or negation P is. इसका negation लेना है, पूरे का negation ले लो.
अभी यहाँ पे बीच में इम्प्लीकेशन है, तो अपने को नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पता है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू, तो फर्स्ट वाला एज इट इज एंड सेकेंड वाले का नेगेशन। ओके अभी या फिर आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, पी एंड क्यू एज इट इज एंड एज इट इज, ये हो जाएगा नेगेशन आर और का एंड और नेगेशन पी का पी। ऑलराइट अभी आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन आर। ठीक है अभी देखो यहाँ पर भी पी एंड है, यहाँ पर भी पी एंड है, तो ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पी एंड को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्यू एंड नेगेशन आर। ठीक है अभी ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बचेगा पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर। ठीक है सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर। लेट अस लुक एट द फाइनल वन, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, फॉल्स कौन सा है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है ट्रू नहीं फॉल्स, फर्स्ट वाला देखो पी एंड नेगेशन पी इज कॉन्ट्रडिक्शन, एंड का क्या रूल है, दोनों टी रही है तो टी होता, ठीक है दोनों टी रही है तो यहाँ पे दोनों टी पॉसिबल नहीं है तो ये फॉल्स रहेगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है अपने को फॉल्स वाला फाइंड करना है। सेकेंड वाला देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, ठीक है ये इम्प्लीकेशन ही इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो अपने को पता है इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉजिकली इक्वेलेंट रहते हैं, दोनों का ट्रूथ टेबल भी सेम रहता है, मतलब दोनों भी सेम है, और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है जब दोनों भी सेम रहते तो वो हमेशा टी रहता, मतलब टॉटोलॉजी रहता, बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देकर है तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है तो अपने को अपना आंसर मिल गया, आगे के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी मतलब पी पी डबल इम्प्लीकेशन पी इज, दोनों सेम है तो टॉटोलॉजी टी आएगा। ठीक है सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन कैसा है, इसको अपन ऐसा सॉल्व करके नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है एक ही स्टेटमेंट है तो कॉलम्स बना लो, पहले पी नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, और ये पूरा। ओके एक ही है तो टी एफ ऐसा लिखने का, नेगेशन पी हो जाएगा टी का एफ, एफ का टी, पी और नेगेशन पी इज और का क्या है, दोनों एफ है तो एफ, दोनों एफ किधर भी नहीं है तो दोनों टी, और फिर फाइनली ये डबल इम्प्लीकेशन दिस, दो टी रही तो टी, टी एफ टी या तो एफ। ठीक है सो ट्रूथ टेबल से अपने को क्या समझ में आ रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ठीक है, बट यहाँ पे टोटोलॉजी देकर है तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 10 के दो करेक्ट ऑप्शन है, बी और डी दोनों भी। ओके आई होप इट इज क्लियर, सो ये यहाँ पर अपने एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, और बाकी के क्वेश्चंस कि पीपीटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो तो आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आंसर। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।